जैसा कि पता है कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में लाइक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या करेंगे, लाइक टू फाइंड आउट द मोडालिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द MI20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बाय द गिवन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। यानी कि हम क्या करेंगे आज के इस क्लास में, जो ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन होगा उसकी हम यहाँ उसकी हेल्प से जो एक अननोन जो सर हमें प्रोवाइड करेंगे लाइक KNO4 सॉल्यूशन जिसे पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन कहते हैं, उसकी मोलैरिटी को और स्ट्रेंथ को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो, टाइट्रेशन मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक पार्ट है, तो यहाँ पे आपको जो टाइट्रेशन करना है किसके साथ करना है, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन यहाँ पे लेना है और ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन की को टाइट्रेट करना है KNO4 सॉल्यूशन के अगेंस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे इनके बीच में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं ये देख लिया जाए। तो ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ है और यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन है। एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, तो इनके रिएक्शन से आपको पोटेशियम सल्फेट NaNO4 10 टाइम्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल एंड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। इस रिएक्शन को अगर आयनिक रिएक्शन में ब्रेकआउट करते हैं तो आपको ये रिएक्शन मिलती है 2 टाइम्स ऑफ NaNO4 नेगेटिव जिसे पर वैलेंट टाइम कहते हैं, 16 टाइम्स एस पॉजिटिव एंड 5 टाइम ऑफ ऑक्सिली टाइम C2O4 नेगेटिव। गिब्स आउट के बाद यहाँ पे Mn2+ आयन को टाइम करते हैं, 8 टाइम्स ऑफ H2O, 10 टाइम्स ऑफ CO2। सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि हमें टाइट्रेशन करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स और एपरेटस की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन करने वाले हैं KNO4 सॉल्यूशन के अगेंस्ट, तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाने के लिए वे करने के लिए हमें चाहिए होगा वेइंग मशीन, तो हमने यहाँ वेइंग मशीन ली हुई है। हमें चाहिए होगा एक वॉच ग्लास जो कि साफ़ होना चाहिए, जिसमें हम सॉल्ट को यहाँ पे या ऑक्सैलिक एसिड को यहाँ वे करेंगे। हमें चाहिए होगा बर्नर, बुनसन बर्नर चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा एक ब्यूरेट अलॉन्ग विद द फनल, ये फनल के साथ यहाँ पे ये ब्यूरेट लिया हुआ है, दिस इज द ब्यूरेट। ये इस ब्यूरेट को हमने ब्यूरेट स्टैंड के साथ यहाँ पे फिक्स किया हुआ है एंड दिस इज व्हाट दिस इज द एक वाइट ग्लेज टाइल, तो ये एक वाइट ग्लेज टाइल्स है। और हमें क्या क्या अपरेटस चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक कॉनिकल फ्लास्क जो कि 250 ml का है। हमें चाहिए होगा एक 100 ml का स्टैंडर्ड मीजरिंग सिलेंडर जिसे हम लाइक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं। एक सिंपल बीकर चाहिए होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इम्पॉर्टेंटली दिस इज द पिपेट, ये 20 ml की पिपेट हमें चाहिए होगी। और एक सॉल्यूशन जिसके साथ हमें टाइट्रेशन करना है, दिस इज द KNO4 सॉल्यूशन जो कि पहले से ही हमारा प्रोवाइडेड सॉल्यूशन है, तो एक KNO4 सॉल्यूशन ये चाहिए होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, KNO4 सॉल्यूशन को इस ब्यूरेट स्टैंड में हम यहाँ पे रेज करने वाले हैं। तो ये ब्यूरेट स्टैंड में हम KNO4 सॉल्यूशन कैसे भरेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे ये जो ब्यूरेट है इसको हम पहले रेंस करेंगे। रेंस करने के लिए पहले वाटर के साथ रेंस करेंगे, उसके बाद KNO4 सॉल्यूशन से रेंस करेंगे और उसके बाद इसे वर्टिकली जो है स्टैंड के साथ यहाँ पे क्लैंपिंग कर देंगे। ये हमारा 50 ml का ब्यूरेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रीडिंग 0 से जहाँ से स्टार्ट होती है 0 से लेकर के 50 ml यहाँ तक होता है। ये इसका नोजल है और जिसे कॉर्क भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसे वाटर रेंस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे वॉश बॉटल ली हुई है, वॉश बॉटल को प्रेस करके इसमें थोड़ा सा पानी यहाँ डालेंगे। पानी लेने के बाद इसे इस तरह से हॉरिजॉन्टली लेकर के इसे हम वाटर रेंस करेंगे। यहाँ पे इसकी जो लेयर्स जो होती हैं, अंदरूनी जो यहाँ पे लेयर्स है वहाँ पे उसको वॉश करते हैं क्लियरली। वॉश करने के बाद यहाँ पे इसे वाटर को बाहर निकाल देते हैं। वाटर से बाहर निकालने के बाद मैंने ये ब्यूरेट पहले से यहाँ पे रेस करके रखा था वाटर के साथ, आप चाहें तो इसे 1 से 2 बार यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर को हमने ब्यूरेट को वाटर के साथ रेंस कर लिया, अब हम इसे करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ रेंस करेंगे। ध्यान रखना है कि इस ब्यूरेट में जो भी सॉल्यूशन यहाँ भरा जाता है, जो सॉल्यूशन दिया जाता है उसी के साथ यहाँ पे रेंस करेंगे। अब क्योंकि ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन हमें यहाँ इसमें भरना है, तो हम क्या करेंगे इसे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ भी यहाँ पे रेंस करेंगे। तो यहाँ हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया और इसे इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है ब्यूरेट को रोटेट करेंगे, जैसे कि इसकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो वही रहे, चेंज नहीं हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे इसे जो है रेंस कर लिया। रेंस करने के बाद
अब इसे जब कम्प्लीटली रेंज हो चुका है, नाउ दिस ब्यूरेट इज रेडी फॉर द क्लैंपिंग विद अलॉन्ग विद द ब्यूरेट स्टैंड। अब हम इसको आसानी से जो है आराम से ब्यूरेट स्टैंड के साथ यहाँ पे फिक्स कर। अब हमने यहाँ पे अपने ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड के साथ वर्टिकली जो है वो क्लैंप इन कर दिया है। अब हमने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को ब्यूरेट स्टैंड में लेकर के उसे वर्टिकली ब्यूरेट स्टैंड के साथ यहाँ पे क्लैंप इन कर दिया है। अब हमारा एक पार्ट टाइट्रेशन का एक पार्ट यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद उसका टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सैलिक एसिड चाहिए हमें, और उसको हम यहाँ पे वे करेंगे M/20 के लिए। M/20 के लिए पहले क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा करके WB वहाँ कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे उसे वे करके 100 ml वाटर के साथ उसे शेक करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक वॉच ग्लास में ऑक्सैलिक एसिड को करेक्टली जो है 0.63 और 64 ग्राम यहाँ पे मेजर कर लिया है। इसे मेजर करने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ऑक्सैलिक एसिड को जो हमने वे किया था उसे यहाँ पे 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिया हुआ है, और अब हम इसे वॉश बोतल से वॉश करके इसका जो है एक होमोजेनियस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा वाटर डाल के इसे शेक किया हुआ है, शेक करके इसका एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन होमोजेनियस हो जाने के बाद इसका जो पूरा वॉल्यूम जो है वाटर का वो करेक्टली 100 ml करेंगे यहाँ पे। आप देखेंगे हमने करेक्टली यहाँ पे 100 ml यहाँ पे सॉल्यूशन जो है यहाँ बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन जो बनाया हुआ है इसे एक सिंपल 100 ml का ये जो हमारे पास बीकर है इस बीकर में हम इसे वापस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन को यहाँ पे इस तरह से बीकर में ले लिया है जिससे कि इसे शक करने में आसानी हो। उसके बाद ये एक 20 ml की पिपेट है, तो 20 ml की पिपेट से हम यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है इसे इसकी हेल्प से शक 100 ml यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड को यहाँ पे शक करेंगे। देखेंगे सबसे पहले आपको मार्क से ऊपर ले जाना है, मार्क से ऊपर लेने का स्लोली जो है ये जो फिंगर है इसको थोड़ा स्लोली हमें रिलीज करना है, प्रेशर रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद यहाँ पे करेक्ट इस मार्क तक आपको लेके आना है। तो यहाँ पे इस मार्क तक इस समय जो वॉल्यूम है इसमें 20 ml है। लेने के बाद ये हमारा जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इस टाइट्रेशन फ्लास्क में ये जो वॉल्यूम है इसके बॉटम में ले जा करके यहाँ पे इसे ड्रॉप आउट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद एक लास्ट ड्रॉप इसमें ब्लो करेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमने 20 ml यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन ले लिया है, अब हम इसमें एक हाफ टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा 1.5 या कि कह सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डालेंगे, से ज़्यादा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, हाफ टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा हमने यहाँ पे लिया हुआ है, अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन को यहाँ पे वायर वॉच की हेल्प से लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट करेंगे और उसके बाद अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये हीट जो है हम जब तक हीट करते हैं जब तक कि इसकी ये जो नेक है ब्यूरेट की जो ये जो नेक आपको दिखाई दे रही है इसका अपर पार्ट पर यहाँ पे वेपर यहाँ पे जमा ना हो जाए, और जैसे ही यहाँ पे वेपर जमा हो जाती है और यहाँ पे हम लाइक हैंड की बैक स्किन को यहाँ पे टच करेंगे, जैसे ही वो अनबेरेबल हो जाए लाइक टच करना अगर मुश्किल हो जाए तो समझ लेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो गर्म हो चुका है और टाइट्रेशन के रेडी है। अभी ये बेरेबल हम कर पा रहे हैं तो अभी थोड़ी ही देर में ये तैयार हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी वेपर यहाँ पे जमना स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी थोड़ी ही देर में ये टाइट्रेशन के लिए स्टार्ट है। अब थोड़ा सा ये अनबेरेबल यहाँ पे हो चुका है,
अब हम इसे टाइट्रेशन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसे ले लिया है, लेने के बाद अब हम इसे यहाँ पे रखेंगे, प्यूरिटी स्टैंड पीछे यहाँ रखेंगे। अब एक हाथ से हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे जो है यहाँ ड्रॉपर को, ये जो नोजल है इसको यहाँ पे लूज करेंगे, और लूज करने के बाद ड्रॉप करके वन बाई वन ड्रॉप इसमें गिराएंगे और इस सॉल्यूशन को कंटिन्यू जो है यहाँ पे हम लाइक स्टेयर करते रहेंगे। सॉल्यूशन यहाँ डालेंगे और इसे स्टेयर करेंगे। स्टेयर करने के बाद देखें कलर आया और फिर डिसअपियर हो गया। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको इसकी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालती जानी है। तो देखेंगे ड्रॉप गिरती है, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है। ड्रॉप गिरने के बाद जैसे थोड़ा सा पिंकिश कलर आता है और उसके बाद फिर से वो डिसअपियर हो जाती है। ये प्रोसीजर आपको लगातार करते रहना है और जब तक करते रहना है जब तक कि यहाँ पे एक परमानेंट पिंक कलर सॉल्यूशन आपको ऑप्टेन ना हो जाए। तो ये इसी को कहते हैं टाइट्रेशन। देखो ड्रॉप गिरती है लेकिन वो कुछ समय के बाद जो पिंकिश कलर जो आता है वो डिसअपियर हो जाता है। थोड़ा सा इसका अमाउंट बढ़ाएंगे, ड्रॉपिंग अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ पे इसे कंटिन्यू जो है स्टार्ट करते जाएंगे और जैसे ही परमानेंट पिंक कलर मिल जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे टाइट्रेशन करते हुए यहाँ पे एक आपको एक परमानेंट पिंक कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो गया है। तो हमें यही परमानेंट पिंक कलर सॉल्यूशन लेके आना होता है। अगर हम इसको और स्टायर करते हैं तो ये जो पिंक कलर सॉल्यूशन है ये अब डिसअपियर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको यही सॉल्यूशन आपको लेके आना होता है। अब इतने सॉल्यूशन को लाने के लिए आप ये देखेंगे कि आपने ब्रिड से कितने ml आपने यहाँ पे सॉल्यूशन को यहाँ पे यूज किया है। तो अगर आप यहाँ पे देख पाए तो लाइक 15.6 मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन को यहाँ पे यूज किया हुआ है। 15.6 ऊपर से यहाँ पे मेजर करते हैं तो 15 के बाद है, 15.6 यहाँ पे ml यहाँ सॉल्यूशन यूज हुआ है जो कि हमारी फाइनल रीडिंग है। अब यही एक्सपेरिमेंट जो है लगभग 2 से 3 बार ट्राई करते हैं और 2 से 3 बार ट्राई करने पर आपको यहाँ पे फाइनल रीडिंग मिलनी चाहिए। और अब इस रीडिंग से जो 15.6 ml जो आया हुआ है उसको हम कैलकुलेशन के पार्ट में यूज़ करेंगे और वहाँ पे पता करेंगे कि ये जो KMn4 सॉल्यूशन जो हमें प्रोवाइड किया गया था, जो सर ने दिया था, उसकी यहाँ पे मोलरिटी यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होगी। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन लेने के बाद यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैडी इक्वेशन लगाएंगे। ब्रैडी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, m1 × v1, ठीक है, m1 × v1। और यहाँ पे ये किसके लिए किया हुआ, m1 × v1 की बात करेंगे तो ये हमारा है लाइक KMn4 सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हमने किया KMn4 सॉल्यूशन और इसके अकॉर्ड में हम यहाँ पे लेंगे m2 × v2 लेंगे। और ये हमने किसके लिए लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो KMn4 की बात करेंगे तो KMn4 के यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 के लिए KMn4 के जो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ 2 है। और अगर हम बात करेंगे ऑक्सैलिक एसिड तो ऑक्सैलिक एसिड से यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हैं, 5, यहाँ पे ले लेंगे 5। अब क्योंकि KMn4 की ब्लड निकालनी है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ KMn4 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2
टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और अपॉन में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ये वॉल्यूम जो नीचे आ जाएगा यानी कि वी वन ऑफ के एमो फोर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। देन मोलैरिटी इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा 2/5, यहाँ पे 2/5 के लिए। उसके बाद यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, तो ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या थी, वही थी जो हमने पिपेट से क्या किया था, पिपेट की हेल्प से हमने क्या किया था, उसे जो कॉनिकल ग्लास था उसमें हमने पिपेट आउट किया था, तो पिपेट का वॉल्यूम कितना था 20 ml, तो 20 ml हमने ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे 20 ml लगाएंगे, यहाँ पहले बुलेट लगाएंगे ऑक्सैलिक एसिड की, तो ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी है m/20, तो सबसे पहले यहाँ पे मोलैरिटी लगाएंगे, मोलैरिटी यहाँ पे कितनी रहेगी m/20 यानी कि 1/20। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वो कितना लिया था हमने 20 ml, पिपेट की हेल्प से हमने कॉनिकल ग्लास में 20 ml हमने क्या किया था ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन दिया था, तो यहाँ पे वो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का वॉल्यूम क्या होगा, ये वही होगा जो हमारी रीडिंग निकल के आई थी ब्यूट स्टैंड में, तो ब्यूरेट में हमने देखा था कि हमारी रीडिंग जो निकल के आई थी वो 16.5 निकल के आई थी, जो कि KMnO4 का यूज वॉल्यूम था, तो यहाँ पे हम KMnO4 का वॉल्यूम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोलैरिटी इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा 2/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1/16.5 डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, ऊपर 0 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू 2 का 10 से करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 5 25 कैरी 2, 5 से 30 और 2 32 हो गया, कैरी 3, 5 5 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका डिवाइड कर लेंगे इसमें, तो 8 to 5 यहाँ पे लिया और इसका इसमें 20 में डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड हो जाएगा नहीं जाएगा तो 0, डेसिमल पे 0 बढ़ाएंगे ये 200 हो गया, अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे अब चला जाएगा, तो 8 का कितना हो जाएगा 2 times जाएगा, तो यहाँ पे लाइक 2 आ गया, तो 2 5 10 10 के लिए 0 और यहाँ पे कैरी कितना हो गया 1 2 4 5 2 8 16, यहाँ पे लाइक कितना आ गया। उसके बाद यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 10 में से 5 जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा एंड यहाँ 9 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, वैसे 0 डालेंगे 8 4 32, तो 0.024 हमारे पास आ जाएगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.024, और मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स, तो मोलैरिटी जो निकल के आई सॉल्यूशन की वो कितनी निकल के आई KMnO4 की 0.024 मोल इंटू लीटर इनवर्स, यानी कि जो KMnO4 सॉल्यूशन आपको दिया गया था उसकी मोलैरिटी यहाँ पे इतनी थी। आप इस तरह से जो है आपको जब एग्जाम में या प्रैक्टिकल में करना हो तो आप जो है इस तरह से कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी निकालनी है, अगर आपको सपोज यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालनी है तो स्ट्रेंथ अगर आपको निकालनी है ग्राम पर मीटर में, तो ग्राम पर मीटर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं वहां पे मोलैरिटी लेते हैं और मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर मास का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी कितनी निकल जाएगी 0.024 निकल जाएगी और मॉलिक्यूलर मास जो होता है KMnO4 का वो होता है 158, तो 158 का 0.024 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 का 158 में कर देते हैं, बाकी डेसिमल को कैरी कर लेंगे, 3.7 92 ग्राम पर।